अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और लिटरेरी टर्म्स के उसी सीक्वेंस के साथ आपके सामने एक बार फिर। आज की जो हमारी टर्म है ये पोइट्री और ड्रामा दोनों में यूज़ होती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये टर्म है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स कंसिस्ट्स ऑफ लाइन्स ऑफ आईएम्बिक पेंटामीटर, मीन्स फाइव स्ट्रेस आईएम्बिक वर्स है ये, विच आर अनराइम्ड अनराइम्ड वर्ड्स। That is why it is called as blank. It is very important for writing literature. इसलिए कि इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है, सबसे ज़्यादा adaptability इसके अंदर है, सबसे ज़्यादा आप कह लें इसमें flexibility है। That is why it is used in not only in poetry but in drama as well. Remember again. Consist of lines of iambic pentameter, five stressed iambic verse, और unrhymed होते हैं और ये इसीलिए इसको blank भी कहते हैं। इसकी importance की सबसे बड़ी वजह बताई मैंने, it is closest to the natural rhythms of English speech। ये English speech किसी भी तरह की जो है उसके जितने भी rhythms हैं उसके बिल्कुल करीब तरीन है ये form जो flexible है, adaptive to diverse levels of discourse है। इसी वजह से ये adaptability की वजह से ज़्यादातर लोगों ने इसी में लिखा है। It was introduced by Earl of Surrey in the age of Renaissance. Renaissance में इन्होंने sonnets लिखी थी Earl of Surrey ने। ये वही period है जिसमें Sir Philip Sidney लिख रहे थे, Earl of Surrey लिख रहे थे, Thomas White लिख रहे थे। सोनेट्स में के दौर में ये जो फॉर्म है ये इंट्रोड्यूस हुई थी। लेटर ऑन इट वाज अडॉप्टेड बाय एलिजाबेथन ड्रामा, एलिजाबेथन पोइट्स ने इसको यूज़ किया, शेक्सपियर मार्लो ने यूज़ किया, ड्रामा में आई। वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड है उनकी एक मास्टरपीस बुक्स, उसमें ये यूज़ होती है। टी एस एलियट की द वेस्टलैंड में ये यूज़ होती है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बड़े वर्क्स में यूज़ होने वाली फॉर्म है। Five years have passed, five summers with the length of five long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain springs with a soft inland murmur. ये एक बेहतरीन example है आपके पास blank verse की। तो blank verse की history और इसका आपने structure देखा, it is very important. इसको बहुत अच्छी तरह से detail में पढ़िएगा ताकि लिटरेरी वर्क्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप इसका यूजेज और इसकी यूटिलिटी ठीक तरह से समझ सकें।